शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये हर स्टेट में जाते हैं लेकिन बंगाली इनके अंदर जो होता हुआ है ना। बहुत अच्छे करेक्टर पकड़ते हैं सुनील भाई। कुछ लोगों का बंगाली में बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो रमेश को बोलेंगे रोमेश और अजय को ओजय, वो डाल देते हैं। हाँ, रमन को रोमन। तो ये जो ओ का जो उच्चारण है उसमें गड़बड़ी हुई कि एक बंगाली भाई को दम्मे का प्रॉब्लम था, वो डॉक्टर के पास में गए, दम्मे का प्रॉब्लम। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर दा हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? हमको दोमा है। दोमा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। हमको दोमा है। डॉक्टर ने कहा, बेटा अगर तेरे को दोमा है तो ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, पापा तेरे बाप का प्रॉब्लम है। किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉइज टारगेट पूरा कर लेते हैं तो कंपनी खुश होके उनका एक ग्रुप बना लेती है और उनको खुश होके बोलती कि भाई आपने हमारे कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा, अब तुम अपना फायदा करो, जाओ किसी धार्मिक जगह पे जाओ, लाइक गोवा, अगर बजट ज़्यादा तो बैंकॉक चले गए। तो वहाँ लोग जाके इंजॉय कर रहे हैं, मतलब डांस वांस कर रहे हैं, यहाँ गाँव में बैठी पत्नी को पता चल जाता है कि वो वहाँ खुश हो रहा है। तो वो पत्नी जो है उसको फोन करती है, जब एकदम वो डांस में खड़ खड़ के बताता हूँ, डांस वांस कर रहा है, अच्छा खासा कमान डाल ली, पत्नी को पता चलता है कि ये खुश हो रहा है, वो उसको एक मिसेस कॉल देती है, वो समझ जाती है कि ये खुश हो रहा है। तो सात समंदर पार भी पति की खुशी देख लेती है, ऐसी पत्नी की नजर को मैं कहता हूँ वाईफाई। वाईफाई। वाह वाह। अभी अच्छा खासा डांस कर रहा है, पत्नी का फोन आ गया। घंटी बज रही, फोन में खुद आके वाइब्रेटर पे, सारे भगवान याद आ गए उसको। अरे भगवान यार, फोन काटना तो चाहता है मगर माँ कसम ताकत उसके बाप में भी नहीं। फिर फाइनली किसी एक भगवान को बोलता, गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ऊपर से भगवान बोलते हैं, इस मामले में नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे गजोधर कैसे मिला? हाँ, ये कह रहा है आर्टिस्ट आदमी है ना, अंदर से होता है कि मैं अभी क्या कहते, गजोधर कैसे मिला पूछ। राजू भाई आपका वो किरदार है जो कौन सा कौन सा गजोधर 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 ये कपिल। जहाँ तक गजोधर की बात है, ये हमारी नानी के गांव में एक बार्बर था। अच्छा। तो वो हम लोग बाल वगैरह काटने आता था, बकसिया लेके आता था, उसका पूरा दिन होता था। आके सबसे पहले तो बता दिया हम आ गए, फिर बकसिया रख के वो नहाने चला जाता था खुद, कुएं से नहा वहा के कपड़े उपड़े सुखा के शाम को उसका मूड बना था, आओ कौन बाल कटवाएगा, इस तरह टाइप का करेक्टर था, लेकिन स्लो बहुत था। अच्छा। तो जैसे कोई किसी ने उससे एड्रेस पूछा, भाई साहब ये रामलाल कहाँ रहते हैं, रामलाल मतलब रामलाल के यहाँ जाना है, तो कोई काम होगा आपको। राम बढ़िया बढ़िया। ये मतलब वही तो नहीं जिनका जो है शहर में पेट्रोल पंप है? हाँ हाँ वही वही। वही तो नहीं जिनका लड़का लिफ्ट में छोकरिया के साथ पकड़ा गया रहा? अरे नहीं, अगर इधर से मतलब जाएंगे तो यहाँ तो लंबा गिरेगा, इधर जाएंगे तो मतलब जो है रामलाल के यहाँ जाना है। चलो हम खाली बैठे, हम ही छोड़ के आते। टाइम बहुत होता है। पछाओ पछाओ मुझे, अरे बचाओ बचाओ। एक गुलाब तो ले लो। ओए हेलो, तेरे पास गुलाब का फूल कहाँ से आया? एक मिनट गुलाब छोड़, तू इधर कैसे आया? इधर से आया फिर आ गया। प्लीज नहीं यार, समझाओ इसको,
मैंने कहा था ना मेरे साथ फ्लर्ट करती रहो, मैंने छोड़ दिया ना, ऐसे लोग मिल रहे हैं अभी, झेलो। चलो बात कर रहे हो इधर, हेलो तो करो। अरे हेलो सर, एहसान भाई, राजीव, सुनील भाई, राजीव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश हो? अच्छा, इसमें और सोमवार में एक ही सिमिलैरिटी है, क्या क्या हर बार लगता है कि ओहो फिर आ गया यार। वाह। नहीं नहीं, पर मैं बताता हूँ, वो तुम्हें लग रहा है ऑफिस वालों के लिए, तो कॉलेज के लड़के लड़की ना उनसे पूछो, जिनका आपस में टांका होता है वो सोचे रहते हैं सोमवार नहीं आया यार। फर्क है। प्लीज कपूर, इसको समझाओ ना, वो कब से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। यही तो प्रॉब्लम है, हाथ धो के पड़ा, मुंह धो के पड़ा होता ना शायद तेरी बात बन जाती क्या। पर अच्छी बात है ना, हाथ धो के पीछे पड़ा तो हाइजीनिक फ्लर्ट कर रहा है और क्या। ओह गॉड यार, ये कमाल है, ये मुझे दिल में नहीं आने दे रही, तू मुझे शो में नहीं आने दे रहा, मैं क्या जंगल में चला जाऊं? अच्छा नहीं आने दे रहा, नहीं आने दे रहा, बोल बोल के ना 5-6 तो कर ही गया एपिसोड। सुनो, मैं शरीफ घर की लड़की हूँ, ये सब मेरे साथ मत करो, ठीक है? तो मैं कौन सा जेल में पैदा हुआ हूँ? एक काम करो, शादी करके मुझे शरीफ घर का दामाद बना लो। कप्पू, इसको समझाओ ना। मैं 10 साल से समझा रहा हूँ कि कोई और धंधा कर ले, मानता ही किसी की। आप तो कुछ नहीं करता, खिलाऊंगी क्या तुम्हें? शादी के बाद मुझे खिलाना पड़ेगा? IPL ये करती है, कपिल ये करती है, प्यार क्यों नहीं करती है? थोड़ा सा। राजू भाई। हाँ, क्या? बड़े भाई हो, इधर आओ। हाँ, हाँ। मुझे बताओ लड़की पटाते कैसे हैं? अच्छा पटाना है। ये थोड़ी सी हेल्प कर दो। मैं लड़की को मनाते कैसे? हाँ हाँ, मनाना है। हाँ। बहुत सिंपल बा भाई। हाँ। मुझे बता दो फटाफट। सबसे पहले का ऐसा करो, ऐसे तो नहीं, अरे ये तो हम ऐसे ही खुजा रहे हैं। ऐसा करना नहीं तो करिया, मतलब पटाना है। हाँ। अरे बहुत आसान बा। कैसे? छोकरिया को मनाना बहुत आसान बा, खाली ये ऐसे करो, ऐसे करो, ये किया और पैर पर मान जाओ, हमारी बन जाओ, अगर हम अपना बस। भाभी आई नहीं, ऐसे मत करो। अरे हमारी ऐसे ही भाई है। भाई आप बता दो प्लीज। आ जाओ। मैं क्या करूं एहसान भाई, वो तो अपना लाइन बनाने पे लगे हुए हैं। देखो दिल जीतने वाला शेर बोलो। अच्छा। जैसे एक शेर बोलता हूँ, आज का मौसम बहुत रंगीला है, आज का मौसम बहुत रंगीला है, इनका ड्रेस और इनकी पगड़ी का रंग पीला। देखो देखो की सेटिंग की, मेरी नहीं। नहीं ये मैचिंग तो उधर हो रहा है लेकिन काम तुम्हारा ही होगा। देखो शेर सुनाओ कि दिल दे दिया है जालिम तुझको, दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख, चश्मा लगा के देख, उधर अपील करो ना। वो LBW ये मैं अपील करूं। दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख, वो फिर भी यकीन आए तो एक्स्ट्रा करा के दे। रजीव तेरे लिए एक और शेर अर्ज किया है। हाँ। अर्ज है मोहब्बत तो इजहार खुले आम कर। ठीक है मोहब्बत, ठीक है मोहब्बत तो इजहार खुले आम कर, मेरा कुछ नहीं होने वाला, जा अपना काम कर जा। फालतू में ऐसे। अभी मेरी बात है, कभी खुशी कभी गम करते हैं, सिद्धू जी इन दोनों मिलकर मेरी नाक में दम करते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात। आज गालिब यहाँ बैठे होते ना, कसम से उठ के चले जाते हो। अच्छा पाजी, एक मेरे दिमाग में ऐसी बात आई, जैसे राजू भाई हैं ये सब लोग, सुनील पाजी हैं, एहसान भाई है, ये बड़ा मजेदार स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर ये फिल्मों में होते रोमांटिक हीरो जैसे शाहरुख भाई हैं, भाई हमने आपको कभी ऐसे रोमांसेस करते नहीं देखा। रोशेल इतनी ब्यूटीफुल लड़की, यहाँ पे हम आपको माहौल देते हैं, लाइटिंग देते हैं, आपको जो आपका दिल करे शाहरुख भाई के स्टाइल में। ओके तो जो आपका दिल करे रोमांटिक डायलॉग। अच्छा शाहरुख भाई का अरे अरे